राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने चैनल कैप्चर अनसीन मोमेंट्स पर, और मैं हूं आपकी दोस्त अरुणिमा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी उस जगह के बारे में जहां पर भीष्म पितामह को बाणों की शैया में लटा दिया गया था। तो अभी हम मौजूद हैं उसी जगह जो कि है नरकातारी में, और ये जो जगह है ये लगभग मेन सिटी से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पे है, और ये ऑन द वे पड़ता है। जब आप ज्योति सर और कल्पना चावला मेमोरियल एंड प्लेनेटोरियम जानते हैं तो आगे आप जानेंगे कि आप यहाँ पे कैसे पहुँच सकते हैं, और यहाँ पे अगर आप अपने व्हीकल से आते हैं तो पहुँच सकते हैं बहुत ही इजिली। लेकिन यहाँ पे जैसे कि आप अभी पीछे देख रहे हैं यहाँ पे टेम्पू भी है, तो आप मेन सिटी से टेम्पू इजिली कर सकते हैं और यहाँ पे टेम्पू आते हैं। तो अभी हम जानेंगे यहाँ के बारे में, तो चलते हैं यहाँ से अंदर, और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपको बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, हम निकले हैं ज्योति सर से, जो कि आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। ये वही स्थान है जहां पर भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता उपदेश दिए थे। फिलहाल ज्योति सर से हम अभी चल रहे हैं नरकातारी, जो कि लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। और अब हम एंटर कर रहे हैं नरकातारी में, जो कि थानेसर में स्थित है। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को ले चल रहे हैं उस जगह जिसका उल्लेख महाभारत एवं वामन पुराण में मिलता है। उस स्थान का नाम है भीष्मकुंड। दोस्तों, हम पहुंच गए हैं बाण गंगा, जहां पर भीष्म पितामह मंदिर है। सबसे पहले हम दर्शन करेंगे श्री तारकेश्वर महादेव जी के, जिनके प्रति नरकातारी तीर्थ के लोगों की विशेष आस्थाएं हैं। महानदी सरस्वती के तट पर स्थित ये तीर्थ पुराणों में अनरक तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। इसी तीर्थ का उल्लेख महाभारत एवं वामन पुराण दोनों में मिलता है।
कहा जाता है इस तीर्थ के पूर्व में ब्रह्मा, दक्षिण में शिव, पश्चिम में रुद्र पत्नी एवं उत्तर में भगवान विष्णु का वास है। लौकिक आख्यान इस तीर्थ का संबंध भीष्म पितामह से जोड़ता है। कहा जाता है कि कौरवों की ओर से 10 दिन तक महाभारत युद्ध लड़ने के पश्चात अर्जुन के बाणों से घायल होकर इसी स्थल पर भीष्म पितामह बाणों की शरशय्या पर लेटे रहे तथा सूर्य के उत्तरी गोलाधार में आने के पश्चात ही उन्होंने अपने प्राण त्यागे। यहाँ पर बने कुंड को भीष्म कुंड कहा जाता है। ये कुंड लगभग 1000 वर्ष पहले से अस्तित्व में रहा होगा, जहाँ आज हर रोज बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचते हैं और इस तीर्थ का रख रखाव कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के जिम्मे है। दोस्तों, इस स्थान पर बाणों की सरशैया पर सुला दिए गए थे भीष्म पितामह। गंगा पुत्र भीष्म पितामह का ये चित्र आप अभी देख रहे हैं। यहाँ बाणों का प्रदर्शन किया गया है। हाथों को छेद करके एक बाण ऐसा आ गया है, यहाँ भुजाओं से छेद दिया गया है। इनके पैरों से लेकर के और मुंह तक बाण लगे हुए हैं। ये है आप अभी देख रहे हैं। ये है शांतनु पुत्र भीष्म, गंगा पुत्र भीष्म। महाभारत में एक ऐसा पात्र का नाम आता है जो सबसे धनुधर, सबसे बलशाली, सबसे पौरुषवान, सबसे बुद्धिवान और सबसे क्रियाशील थे। सबसे बड़े भी यही थे, जो हैं भीष्म पितामह और जो अभी फिलहाल बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं। कुंड के निर्माण के संबंध में कहा जाता है कि रणभूमि में घायल होकर जब भीष्म पितामह बाणों की शरशय्या पर लेटे थे तो अपनी प्यास बुझाने के लिए उन्होंने कौरवों पांडवों को इशारा किया तो कौरव उनके लिए पात्रों में सुगंधित पवित्र जल लेकर उपस्थित हुए, लेकिन उन्होंने पात्रों में लाए जल को अस्वीकार कर दिया। अर्जुन भीष्म पितामह का संकेत समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने पारजन्य अस्त्र भूमि में मारकर जल प्रकट किया। अर्जुन के बाणों से प्रकट हुई जल धारा से ही भीष्म पितामह ने अपनी प्यास बुझाई। मुझे प्यास भी लगी है पुत्र। गंगा आशीष दे आकर सुत के पास, आज गिरा हो भूमि पर जो कोई आकाश, जो कोई आकाश। इस स्थान से जुड़ी एक और कहानी है। कहा जाता है कि अर्जुन ने यहाँ बाण चलाकर गंगा को प्रकट किया था। कहा यह भी जाता है कि युद्ध के दौरान अर्जुन के रथ घोड़े लगातार दौड़ते रहने के कारण थक गए थे, तब भगवान श्री किशन जी के कहने पर अर्जुन ने इसी स्थान पर अपने बाणों से प्रहार कर गंगा को प्रकट किया था।
तब जाकर भगवान श्री कृष्ण जी के घोड़ों की प्यास बुझी थी। मंदिर परिसर में राम भक्त हनुमान जी की 26 फुट की ऊंची और रमणीय प्रतिमा है, जो दूर से ही दिखाई देती है। और अभी आप दर्शन कर पा रहे हैं हनुमान जी के, तो देखिए कितनी विशाल और कितनी मनमोहक इनकी ये प्रतिमा यहाँ पर विराजी हुई है। और ऐसी प्रतिमा आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। भीष्म पितामह मंदिर, जो कि बाण गंगा के साथ यहाँ पर स्थापना की गई है। और अभी हम मंदिर के अंदर चलेंगे, जहाँ हम पंडित जी से बात करेंगे और जानेंगे इस मंदिर के महत्व के बारे में। और वहाँ आप एक ऐसी तस्वीर देखेंगे जहाँ पर भीष्म पितामह बाण शैया पर लेटे हुए हैं, और उनके बगल में है माँ गंगा जी, भगवान श्री कृष्ण जी और सभी पांडव खड़े हुए हैं। और इस तरीके की भावात्मक तस्वीर पूरे भारत में इसी मंदिर में देखने को मिलेगी। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर। दोस्तों, अब हम आपको लेकर आए हैं उस मंदिर जहां पर भीष्म पितामह बाण शैया पर लेटे हुए हैं। और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जहाँ पर हम अभी पंडित जी से बात करेंगे और यहाँ की पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। नमस्कार पंडित जी, राधे राधे। बोलिए गंगा माता की जय। तो अभी आप जहाँ पे खड़े हो, ये ओरिजिनल टेंपल, ओरिजिनल समाधि यानी कि भीष्म पितामह जी की। इसी जगह पर भीष्म पितामह जी को अर्जुन ने बाण मारकर पानी पिलाया था और एक महीना 26 दिन ये बाणों की शैया पर लेटे रहे थे। इसी जगह पर यानी कि 56 दिन बाणों की शैया पर लेटे रहे थे भीष्म पितामह जी, क्योंकि इनको मिला हुआ था इच्छा मृत्यु का वरदान। जो ये बाहर बना हुआ है पानी वाला कुंड, अभी आप देख के आए बाहर, तो वहां पे अर्जुन ने बाण मारा था और गंगा की जलधारा इनके मुख पर प्रकट हुई थी। इसी को बाण गंगा के नाम से जाना जाता है, इसी को भीष्म कुंड के नाम से भी जाना जाता है। अंदर इनका परिवार है, इनकी फैमिली है, द्रौपदी, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, गंगा माता, नकुल, सहदेव, कृष्ण जी और अर्जुन। जो साइड में बैठी है ये है गंगा माता जी, गंगा माता जी के पुत्र थे भीष्म पितामह। तो ये यहाँ का प्राचीन है। इस मंदिर के बाहर जो भी कुछ बना हुआ है वो बाद में बनाया गया है, ये ओरिजिनल टेम्पल है। और कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर इस मंदिर में आके समाधि के दर्शन नहीं करेगा तो उनकी यात्रा नहीं मानी जाती, क्योंकि इस मंदिर के बाहर कुछ है ही नहीं, बहुत बाद में बनाया गया है। ये इनकी प्राचीन समाधि है, पूरे ऑल वर्ल्ड में फेमस है इनकी समाधि, और इसी को देखने के लिए हजारों हजारों यात्री यहाँ पर इसकी समाधि के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। तो सबसे बड़ा माना जाता है ये टेम्पल, इसकी कोई भी व्यक्ति कोई भी मतलब आएगा तो इस मंदिर को नहीं छोड़ेगा, हर व्यक्ति हर यात्री इसके दर्शन जरूर करके जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने अपना समय दिया हमें और पूरी जानकारी हमारे साथ शेयर करी। जय श्री राधे कृष्ण। Thank you.
This battle between perceivability, and therefore, how do we understand the essence of dharma? How do we understand the essence of spirit? One of such Mahajans, Bhishma Dev, who we can't enough glorify him for example that he said, the kind of service that he renders, the kind of instructions that he has imparted, and just like Bhishma Dev, if we can. दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको उस जगह से अवगत कराया है जहां पर भीष्म पितामह शैया पर लेटे हुए हैं। तो उम्मीद करती हूं कि आज की ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही शेयर कीजिएगा, जिससे आप सभी को पता चल पाए कि कुरुक्षेत्र में कौन कौन सी जगह है, धार्मिक ऐतिहासिक जगह यहाँ पे घूमने के लिए। तो मैंने कुरुक्षेत्र के एपिसोड्स बनाए हैं, तो उन एपिसोड्स को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक ऑलरेडी शेयर कर दिया है। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है जो कि आप इंस्टाग्राम आईडी पे पूछ सकते हैं, विच इज कैप्चर अनसीन मोमेंट, और साथ ही मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की ये जो वीडियो है आप सभी को कैसी लगी है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, देर किस बात की। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें जिससे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और साथ ही मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा है। तो मिलती हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नए ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग कैप्चर अनसीन मोमेंट।